में काम करते हैं। बेलगाड़ी तो आपकी वेतन कितने महीने की लगेगी? दो महीने। तो आप किस तरह से घर परिवार चलाते हैं? कहाँ चलाएं साहब, तो किस तरह से आज करते हैं? पैसा नहीं है। तो कभी बातचीत किए कि क्यों नहीं हमारा वेतन आ रहा? अरे हम काफी किए बात करते, क्या बोलते हैं किस लिए नहीं मिल रहा? घर में बजट नहीं आ रहा। आगे कब तक ने कहे हैं अधिकारी? ये कब क्या दिए ये तो मिल जाए बजट तो आई तक पता चल जाए। तो आपको कितने बेलदार होंगे कि वेतन नहीं मिली? हम दूजे हैं उनके, अब 5000 होंगे हैं बहुत। तो उन कुमाऊं वाले का भी नहीं मिला? हां हो गए। कितने साल से आप बेलदारी का काम करते हैं? 7 साल। तो कभी 7 साल में कभी और वेतन रुकी है कि इसी बार रुकी है? अरे बचत ना होने पर रुकी है कई बार, तो एक दो बार इसी तरह हुआ हमारे कि वेतन नहीं मिल पा रहा थी। वेतन इसमें 2 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहे और इधर उधर कर ले देख के काम करते हैं और बच्चे को पढ़ाई है जिस शेष में जा रहे हैं, तनख्वाह पाएंगे जब ही देंगे। जो बेलदार सड़क किनारे किनारे काम करते हैं उनको 3 महीने का वेतन नहीं मिला, क्या कारण है? नहीं, वेतन तो सिर्फ 2 महीने का नहीं मिला है, 3रा महीना चल रहा है, इस महीने का वेतन भुगतान नहीं किया जा सकता है। अब शासन से बजट प्राप्त न होने के कारण उनका वेतन का भुगतान नहीं किया जा सकता। बाकी ऑफिस की सारी कार्रवाई की जा चुकी है, कोई भी कार्रवाई बाकी नहीं है। कोषागार में बिल भुगतान के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है, बजट आते ही उनका तुरंत भुगतान कर दिया जाए। तो कितने बेलदार का पैसा नहीं मिला? कार्य निर्माण करने में जितने बेलदार हैं, बेलदार ऑफिस स्टाफ सारा स्टाफ को अभी तक कोई वेतन भुगतान किया ही नहीं गया। तो कब तक में बजट आएगा? बजट के लिए तो अभी शासन से मंजूरी तो मिल गई है, एनसी के साइन बाकी हैं। अभी आज कल कर्मचारी गया था बताया है, जैसे एनसी के साइन हो जाते हैं बजट आ जाता है, भुगतान कर दिया जाए।